हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमने हमेशा, हमारी पार्टी ने भी और इंडिविजुअली हमने भी हमेशा एक सकारात्मक रूप से सरकार का समर्थन करने का प्रयास किया है। पिछले कल जो पॉजिटिव केसेस शिमला के अंदर और शिमला के ऐतिहासिक माल रोड पर, यहाँ का जो इंडियन कॉफी हाउस है उसमें एक संक्रमित व्यक्ति पाया गया, बालूगंज के अंदर एक संक्रमित व्यक्ति पाया गया, कई संक्रमित व्यक्ति पाए गए, और पिछले कुछ दिनों से जितने टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के नाम पे जो सारे के सारे बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं, मैं हमेशा से हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी कोई निर्णय सरकार को लेना चाहिए या सरकार लेती है तो जो उसके कंसर्न स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बाकायदा विचार विमर्श, उनके साथ वार्तालाप होना चाहिए। अगर बागवानों के लिए कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उनकी जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स एसोसिएशन है उनके साथ बात होनी चाहिए। अगर टूरिज्म से रिलेटेड कोई इशू आप प्रदेश सरकार किसी पे निर्णय ले रही है तो जो स्टेक होल्डर्स है, जो होटेलियर्स है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग हैं, दे शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर द गवर्नमेंट डिसाइड्स एनीथिंग इन दिस टाइम ऑफ एपिडेमिक। ये जो समय प्रदेश में है, देश में है, विश्व में है, बहुत चिंता का विषय है, बहुत सेंसिटिव पीरियड है, और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े। हम भी उतना ही चाहते हैं कि प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जो हमारे बागवानों को, हमारे किसानों को, हमारे होटेलियर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स को, टूर्स ऑपरेटर्स को, आपके जो वाटर स्पोर्ट्स के लोग हैं, चाहे पैराग्लाइडिंग के लोग हैं, जो इससे अलाइड टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, उनको समर्थन मिले, हम भी एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष के रूप में हम भी उस चीज को चाहते हैं। मगर हमारा सबसे बड़ा जो ग्रीवेंस सरकार से है कि वो बिना सोचे, बिना समझे जो तुगलकी फरमान दिल्ली से आता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का या यूनियन होम मिनिस्ट्री का, उसको बिना ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट डिलिजेंस, उसको जो है बिना आंख बंद करके उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। आई हैव बीन स्टेटिंग फ्रॉम डे वन कि हिमाचल प्रदेश की जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस है, यहाँ की जो और परिस्थितियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कभी कभी हमें अलग डिसीजंस जो है प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लेने की आवश्यकता होती है। आज जब ये निर्णय टूरिज्म को, प्रदेश को खोलने का ले लिया है, करीबन 75-80% ऑफ होटेलियर्स जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हमने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करी है, चाहे वो शिमला का एसोसिएशन है, चाहे वो कुल्लू मनाली का एसोसिएशन है, चाहे वो धर्मशाला का एसोसिएशन है, उनके साथ हमने वार्तालाप किया है और उन्होंने वैसे भी मीडिया में ये बात करी है कि हमको अभी अपने होटल्स या रेस्टोरेंट्स नहीं खोलने हैं। इस परिपेक्ष में आप प्रदेश से लोगों को, बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। एक और जो अभी भी बहुत से लोग जो हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड सिटीजन है, जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए कानून बहुत ज्यादा है, उनके लिए जो है उनको सारे के सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। और दूसरी ओर जो टूरिज्म के नाम पे जो बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, उनके लिए जो आपने मापदंड रखे हैं, कौन उन मापदंड को देख रहा है, कौन उसको इंप्लीमेंट करवा रहा है? अभी तक जितने लोग प्रदेश में आए हैं, करीबन केवल 50 लोग जो है इस पॉलिसी के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर आए हैं, और इसमें जो चेकिंग आपकी रैपिड टेस्टिंग किट्स के माध्यम से, अगर प्रदेश के डीजीपी का 3 घंटे के अंदर टेस्ट हो सकता है, तो व्हाई कैनॉट द स्टेट गवर्नमेंट हैव प्रोविजंस एट द बॉर्डर्स, ताकि जो कोविड पॉजिटिव की टेस्टिंग जो है वो बॉर्डर पे ही वहां पे हो सके और जो संक्रमित व्यक्ति है उनको प्रदेश में आने की अनुमति ना दी जाए। ये केवल एक लापरवाही सरकार की वजह से है। मैंने कल भी ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से कही थी कि शिमला में या IDMC क्योंकि शिमला के अंदर है और यहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए, एक रूटीन प्रोसेस में आए, क्योंकि कई पॉजिटिव केसेस IDMC में आते हैं, उनका इलाज भी होता है और वापस चले जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोगों का उसमें जो है मृत्यु भी हुई, कईयों का देहांत भी हुआ, दैट इज अ रूटीन प्रोसेस।
मगर पिछले 2-3 दिन में जो स्पर्ट केसेस का शिमला के अंदर हुआ या नाहन के अंदर हुआ या आपके ऊना के अंदर हुआ, दैट कैनॉट बी कंपेयर्ड विद रेगुलर केसेस जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एसिम्प्टोमेटिक केसेस है. दिस इज पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट कि वो एक और जो प्रदेश में लग्जरी ला रहे हैं, प्रदेश में पर्टिकुलर सेक्शंस के लोगों को जो है उनके अंदर अपनी गुडविल बनाने के लिए एक लार्ज पॉपुलेशन को प्रदेश के अंदर जो है वो इंडेंजर कर रहे हैं. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो इसमें सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए थे, जैसा मैंने कहा कि बॉर्डर्स के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि बाहर के लोगों को प्रदेश में लाया जाए तो क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप प्रदेश आप हर बॉर्डर पे जो है ये टेस्टिंग करके 3 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट लाए और उसके बाद प्रदेश में लोगों को आने की अनुमति जो है वो दी जाए. ये मैं पहली बात कहना चाहता हूं. और दूसरा जो अभी पिछले कई दिन से बात चर्चा में है, एक और मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में ज्ञान बांट रहे हैं कि आप जो है इस तरीके के कोई कार्यक्रम ना करें, और दूसरी ओर जो आप हवन कर रहे हैं, हम किसी हवन के खिलाफ नहीं है, हम भी हिंदू धर्म में उतना ही विश्वास रखते हैं, उनसे ज्यादा विश्वास हम रखते हैं. कई भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ है, मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा पर्टिकुलर हमारा परिवार जो है वो देवी भक्त है, हम उतने ही हिंदू है और उनसे ज्यादा हिंदू है जो हमको ये ज्ञान दे रहे हैं. वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, मगर जिस तरीके से इसकी धजिया उड़ाई जा रही है, जिस तरीके से गो करोना गो के हवन किए जा रहे हैं, एक और जहां आपको प्रदेश के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वहां पे आप क्या संदेश प्रदेश के लोगों को भेज रहे हैं, ये बात मैं मुख्यमंत्री जी से, इतने लोगों को इकट्ठा करके जो आप वहां पे क्या संदेश प्रदेश के लोगों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं कि एक और आप पूरे प्रदेश के लोगों को ये बात कह रहे हैं. पिछले 3 महीने से प्रदेश के लोग जो है लगातार जो आपका लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 और उसके पहले की जो टोटल फॉर्मेलिटीज केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा दी गई थी उनको फॉलो कर रहे हैं, और अब प्रदेश में ये सिलसिला जो है संक्रमण का ये जारी हो गया. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि जो नाहन के अंदर पिछले कल ही करीबन 52 केसेस पॉजिटिव हिमाचल प्रदेश में जो पाए गए हैं, विच हैव बीन बिकॉज ऑफ द लैप्सिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर की हुएवर इज कंसर्न्ड, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस का महकमा है, चाहे वो वहां का जिला का महकमा है, दे शुड बी बुक्ड फॉर दिस. उनके ऊपर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. आपकी इस तरीके की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से, द पीपल ऑफ द स्टेट कैनॉट फेस द ब्रंट बिकॉज ऑफ योर लैकलस्टिकल एटीट्यूड. आपका जो ये नजरिया प्रदेश के लिए है, जो इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से आपकी होनी चाहिए उसमें पूरी तरीके से जो ये फेलियर है. और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, हम चाहते हैं प्रदेश में रोजगार के साधन बढ़े. आपने पीछे जब 20 लाख करोड़ का पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए दिया गया, हमने भी उसका स्वागत किया, हमने विपक्ष में रहते हुए उसका स्वागत किया. आज हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, बिकॉज ही इज ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कि इस 20 लाख सो कॉल्ड 20 लाख करोड़ के पैकेज में से, हालांकि वो बातें क्लियर हो चुकी है कि उसमें से अधिकतर पैसा जो है वो बजट यूनियन फाइनेंस बजट जो बजट आया था उसमें ऑलरेडी वो घोषणाएं पहले की है, मगर तब भी हम जानना चाहते हैं कि इस सो कॉल्ड फाइनेंशियल पैकेज में से कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को आया, और हिमाचल प्रदेश के जो अलग अलग सेक्शंस हैं, चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के लोग हैं, चाहे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, कितना पैसा किन किन सेक्टर्स के लिए दिया गया, क्योंकि हमने जितने भी होटेलियर से बात की, हमने जितने भी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोगों से बात करी है, there has been no financial package that has been given to any hotel industry in Himachal Pradesh. चाहे हम moratorium को बढ़ाने की बात करते हैं, चाहे हम जो है interest period को waive off करने की बात करते हैं, या हम state cooperative bank या कांगड़ा cooperative bank या भगाड़ cooperative bank से interest free loan देने की बात करते हैं, कोई भी relief जो है वो प्रदेश के hoteliers को नहीं दिया गया. और यही कारण है कि प्रदेश में होटेलियर्स ने अपने होटल्स खोलने से मना कर दिया है, क्योंकि जो बड़े होटल्स हैं
आपका ताज है या आपका ओबेरॉय के होटल्स है, उन वो इस चीज को बेयर कर सकते हैं बिकॉज दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज। मगर जो छोटे छोटे यहाँ पे जो यहाँ पे छोटे प्रोप्राइटर्स हैं, जो जिनके अपने अपने यूनिट्स हैं, उनके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो अपने लोगों का जो वहां पे एम्प्लॉयज उनके हैं उनका खर्चा भी बेयर कर सके, बिजली पानी का खर्चा बेयर कर सके, जो वहां पे लैंड टैक्स उनको देना पड़ता है उसको बेयर कर सके। तो निश्चित तौर से इस पे सरकार को एक, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि एक व्हाइट पेपर जारी करने की आवश्यकता है। द गवर्नमेंट शुड बी वेरी कैटेगोरिकल कि हमको कितना समर्थन जो है वो केंद्र सरकार से मिला है, क्योंकि हर बारी जब मुख्यमंत्री जी प्रेस को एड्रेस करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना नहीं भूलते हैं। हम भी उनका धन्यवाद करते हैं, बट वी एज रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन वॉन्ट टू नो दैट हाउ मच अमाउंट, हाउ मच फिस्कल पैकेज हैज बीन गिवन टू हिमाचल प्रदेश पर्टिकुलरली इन दिस कोरोना पीरियड, एंड कितना पैसा उसमें से प्रदेश के अलग अलग सेक्टर्स को दिया गया है, ये बात हम जानना चाहते हैं। बाकी जहां और विकास की बात है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने करी थी, 2.5 साल इस वर्तमान सरकार को हो चुका है, और मुझे आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 2.5 साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां वर्तमान सरकार की रही है वो केवल और केवल वीरभद्र सिंह सरकार, कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार के रिबन काटने की रही है। चाहे वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीबन 60 करोड़ रुपए के उन्होंने घोषणाएं हैं या उनका शिलान्यास या उनका उद्घाटन किया, या अभी जो दौर चला हुआ है ऑनलाइन जो है वो प्रदेश के कोने कोने में उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, ये सारे वो सारे के सारे वो प्रोजेक्ट है जिसकी घोषणाएं, जिसका बजट पूर्व सरकार द्वारा दिया गया था या विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत इनका कार्य जो है वो शुरू हो गया था। एक मैं ओपन चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को देता हूं, एक बड़ा प्रोजेक्ट हमको वो बता दे पिछले 2.5 साल का जो इनके कार्यकाल में कंसीव हुआ और इनके ही कार्यकाल में जो है वो पूरा हुआ है। एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, चाहे वो मंडी का सो कॉल्ड नागचला का बल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी तक जो है उसकी डीपीआर भी बनकर तैयार नहीं हुई है। नेशनल हाईवे का इन्होंने गुणगान किया, 69 नेशनल हाईवे प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं, उसकी पोल खुद इनके माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने खोल दी कि अभी तक उसकी जो है प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं मिली है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स मीट की बात करी जा रही थी कि हमको जो है 90,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स मीट आया है, तो वो तो मैं हम समझते हैं कि वो सारी की सारी इन्वेस्टर मीट जो है वो इस महामारी की भेंट चढ़ गई है। तो निश्चित तौर से ये 2.5 साल जो है वो वर्तमान तत्कालीन सरकार के रिबन काटने में उनका बीत गया, और अगले जो 2.5 साल है वो कोरोना के कहर में जो प्रदेश में बीत जाएंगे, और कोई उपलब्धि जो है इस वर्तमान सरकार की हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं जो बारी बारी ये बात कहता हूं कि हम केवल निंदा करने के लिए या केवल फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हम यहाँ पे खड़े नहीं है, मगर निश्चित तौर से जो बागवानों की समस्या है, अभी कुछ दिन पहले हमने रोड़ू का दौरा किया, एक व्यक्तिगत रूप से मैं किसी निजी कार्यक्रम से हम रोड़ू गए थे, वहां के जितने प्रोग्रेसिव वहां के ग्रोअर्स हैं उनके साथ हमने एक अनौपचारिक बैठक करी, और उन्होंने हमको दुखड़ा रोया कि जो है जो लेबर आपकी नेपाल से आती थी, उत्तराखंड से आती थी, बिहार से आती थी, खाली बसे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने HRTC की बसें भेजी है, खाली बसें जो है वो वहां से आ रही है। जितना नेपाली लेबर हमको चाहे वो कोटगढ़ में चाहिए, चाहे रामपुर में चाहिए, चाहे चौपाल में चाहिए, चाहे नीरवा में चाहिए, चाहे रोड़ू में चाहिए, कोई लेबर आज जो है वो उपलब्ध नहीं है। पेटियों की कमी आज हमको देखने को मिल रही है। ये क्लेम किया जा रहा है कि हमने आड़तियों के साथ टाई अप कर दिया हुआ है, लदानियों के साथ टाई अप कर दिया हुआ है, कुछ ही दिन बाद अभी जो है तुड़ान सेब का शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो इंतजाम सरकार के होने चाहिए थे वो पूरी तरीके से उसका फेलियर है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी सौगात पूर्व सरकार ने प्रदेश के बागवानों को दी थी, 1,134 करोड़ का 44 करोड़ का जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से जो हिमाचल प्रदेश को दिया था, आज वर्ल्ड बैंक द्वारा उसको बंद करने की नौबत आ चुकी है। उसका कोई इंप्लीमेंटेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। कोई नया CA स्टोर, चाहे वो जरोल टिकर में है, चाहे वो बागी में है, चाहे वो आपके नारकंडा में है, चाहे वो आपके प्राड़ा में है,
आज तक कोई काम उन सीए स्टोर पे जो है वो शुरू नहीं हुआ है। सिंचाई के लिए इस 1,000 करोड़ में से करीबन 250 करोड़ सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया था, उस पे भी एक नया रुपए का काम जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी जो पीछे वर्ल्ड बैंक की मीटिंग इसके परिपेक्ष में हुई, उसमें लताड़ लगाई गई है प्रदेश सरकार को और उनको कहा गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट टाइमली इंप्लीमेंट नहीं होता है तो इसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और भविष्य में वर्ल्ड बैंक द्वारा कोई फंडिंग प्रदेश को नहीं दी जाएगी। तो ये उपलब्धियां इस वर्तमान सरकार की बागवानी के क्षेत्र में। तो ओवरऑल मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जहां तक अभी ये संक्रमण का समय है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम एक विपक्ष के सदस्य होने के नाते हम जिम्मेवार दायित्व निभा रहे हैं। जो कमियां जमीन स्तर पे हमको समय समय पर देखने को मिल रही है उसको हम सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे, मगर जो ये लापरवाही पिछले 2-3 दिन में हुई है और पर्टिकुलरली पिछले कल जब 52 पॉजिटिव केसेस पिछले कल प्रदेश के अंदर पाए गए हैं, ये कोई सिम्टोमेटिक केसेस नहीं थे, ये एक रूटीन प्रोसेस के केसेस नहीं थे। दे हैव बीन टोटली बिकॉज ऑफ द लैकलस्टिकल अप्रोच और जो लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, चाहे वो जिला सिरमौर की थी चाहे वो जिला शिमला की थी, उसकी वजह से ये पाई गई है। और हमारा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप अंधविश्वास में कम विश्वास रखें और अपना जो प्रशासन है, अपना जो अमलीजामा है, आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपका जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको दुरुस्त करिए, उसको चुस्त करिए, उसमें जो कमियां पाई जा रही है उसको मजबूत करिए और जितने भी लोग प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, खास रूप से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका बॉर्डर के ऊपर चेकिंग हो, 3 घंटे के अंदर उनकी रिपोर्ट्स पाई जाए और उसके बाद ही उनको हिमाचल प्रदेश में आने की अनुमति मिले। ये हमारा निवेदन जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी से है। कहूंगा कि अगर हम जो बातें वो कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को जो जमीन स्तर पे जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में दुख के साथ कह रहा हूं कि उनको उसके बारे में जागरूकता नहीं है। प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके जो मैकेनिज्म इसके लिए होना चाहिए वो है नहीं। जो बाहर से, जैसा मैंने कहा, जो टूरिस्ट आ रहे हैं या और लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से प्रदेश में जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो स्प्रेड हो रहा है वो हमारे सामने है। और खास रूप से अभी भी, जैसा मैंने कहा, कि जो प्रदेश के बाहर के लोग, प्रदेश के बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए कोई और मापदंड है और जो टूरिस्ट प्रदेश में आ रहे हैं उनके लिए कोई और मापदंड है। तो ये हम इस चीज को सहन नहीं करेंगे। और जो भी मैं बातें कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि हम इसको अपने मन से कह रहे हैं, हम रेगुलर लोगों के बीच में जाते भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से रेगुलर हमको फीडबैक आता है और उसी के बेसिस पर आज मैं ये बातें आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। और ये एक खुला जो है, एक ओपन बुक है, एक खुली किताब है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री जी उस पर अपनी आंख बंद करना चाहते हैं या प्रदेश सरकार उस पर अपनी आंख बंद कर एक अच्छी पिक्चर लोगों को देना चाहते हैं, वो अलग बात है, वो उनकी मर्जी है, मगर जो जमीन स्तर की परिस्थिति है उससे सरकार को अवगत करवाना विपक्ष की दायित्व है, विपक्ष का जिम्मेवारी है और उसको हम एक सकारात्मक रूप से उस भूमिका को अगले 2.5 साल तक निभाते रहेंगे। और जो जमीन स्तर के मुद्दे हैं उनको सरकार के समक्ष, आप लोगों के माध्यम से लोगों के समक्ष उसको उठाते रहेंगे। सरकार पे पूरी तरीके से विश्वास भी करते हैं और मुख्यमंत्री जी केवल भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर जब वो खुद ही अपने मुख्यमंत्री कार्यालय की गरिमा को गिराना शुरू कर देंगे, जब एक दिन एक नोटिफिकेशन आएगी, अगले 2 घंटे में कुछ और नोटिफिकेशन आएगी और मुख्यमंत्री कार्यालय कोई और नोटिफिकेशन दे रहा है, होम डिपार्टमेंट कोई और नोटिफिकेशन दे रहा है, उन्हीं के प्रदेश के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन में कोई और नोटिफिकेशन दे रहे हैं, तो उस पूरे परिपेक्ष में विपक्ष क्या भूमिका निभाना चाहेगी, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जब इनके सरकार के अंदर ही इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है, इनके सरकार के मंत्रियों के अंदर ही इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है, इनके सरकार के अफसरों के अंदर ही इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उस परिपेक्ष में विपक्ष किस किस का समर्थन करे? चीफ सेक्रेटरी का समर्थन करे, डीजीपी का समर्थन करे, मुख्यमंत्री का समर्थन करे या मंत्रियों का समर्थन करे? तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक डायरेक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो सरकार की होनी चाहिए और वो मुख्यमंत्री कार्यालय से चलनी चाहिए। जिस तरीके से
पिछले कई दिनों से हमने इस चीज को देखा कि एक नोटिफिकेशन आती है, अगले दो दिन बाद उसको वापस लेकर नई नोटिफिकेशन आ जाती है। इससे एक शुभ संकेत, एक अच्छा संकेत प्रदेश में नहीं जा रहा है। देयर हैज टू बी अ यूनिफाइड कमांड विद इन द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, और वहां से इस चीज को टैकल करने के लिए पूरी तरीके से वो कार्यालय सक्षम है, और उसका पूरा योगदान प्रदेश के इस संक्रमण में इसको खत्म करने के लिए होना चाहिए। मैं साफ करना चाहता हूँ, कैटेगोरिकली इस बात को कहना चाहता हूँ, हम उतने ही कंसर्न्ड है प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए जितना कंसर्न जो है वो प्रदेश सरकार है। हम उनकी जो है कॉन्शियस पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, मगर उनकी फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मैं हम मुख्यमंत्री जी के जो उनका जो एक सोच प्रदेश के लिए है उसको क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, मगर उनके कहने में और उनके करने में बहुत अंतर है। जो सरकार कहती है और जो जमीन स्तर पे हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क। अभी मैंने आपको बागवानों का एग्जाम्पल दिया, आप कह रहे हैं कि हमने प्रदेश में रोजगार को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है। जब आप प्रदेश की 4,000 करोड़ की जो एप्पल इकोनॉमी है उसके लिए कोई समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, या समर्थन कहने की केवल बात कर रहे हैं, जमीन स्तर पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपके कोई लेबर नहीं आ रही है, आपकी पेटियों का इंतजाम नहीं हो रहा है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं हो रहा है, वही हाल आपके किसानों के लिए है, वही हाल आपकी इंडस्ट्रीज के लिए है। अगर आप कह रहे हैं एक और कि हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो वो बातें केवल कहकर नहीं होगी, उसके लिए आपको जो है परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे जो जमीन स्तर पे हमको उठते हुए नजर नहीं आ रहे। इसलिए हमने ये बातें रखी है, अगर इस पे इनके परिश्रम से अगर प्रदेश का भला होता है तो पहला व्यक्ति विक्रमादित्य सिंह होगा और कांग्रेस पार्टी होगी जो इनका पूरी मजबूती के साथ समर्थन करेंगे। मगर जो इनके कहने में और इनके करने में, जो इनका बोलने में और इम्प्लीमेंटेशन में जो एक बहुत बड़ा डेफिशिट, एक बहुत बड़ा गैप जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन में है, उसके बारे में हमको बहुत चिंता है। क्योंकि सरकार आज मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं चल रही, ये दुख की बात है कि आज सरकार जो है वो नाभा से चल रही है, वो नागपुर से चल रही है। तो इसलिए जो सरकार की कहने में और करने में ये कमियां हमको देखने को मिल रही है, इसको समय रहते हुए उनको जो है इम्प्रूव करना चाहिए, और प्रदेश की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो पैकेज की मैंने बात करी है उन पैकेजेस को समय रहते हुए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। नहीं।